अस्थि माला धृक नग्नो भस्मान लेपनः, स्वयं धतुरा धस्तूर का, फिर अर्क माने अकौआ, उनकी माला अकौए के पुष्प उनको धारण करते हैं अर्क के, फिर अस्थि माला शिव जो मुंड अस्थि मुंड की माला उसको भगवान शिव धारण कर रहे हैं। तो धतूरा अकौआ और मुंड माल इनको धारण करके भगवान श्री शिव नग्न होकर के विराजमान है, और भस्मान लेपना और अपने शरीर के ऊपर भस्म लगा करके वे रह रहे हैं। विप्रकीर्ण जटा भार, इसका तात्पर्य अभी आगे वर्णन करेंगे। उन्होंने अपनी जटाएं बिखरे बिखार रखी हैं और उन्मत्ते घूर्णते, पागल की तरह से वे जहां तहां विचरण करते रहते हैं। तथा स्व गोपना सकता है कृष्ण पादाब्ज शौच जान, और अपने प्रेम को छिपाने के लिए कि दुनिया ये समझे ये कोई योगी है कोई अघोरी है ऐसा समझ करके अपने स्वरूप को अपनी भक्ति को छिपाने के लिए भगवान शिव बस विचरण करते हैं और अद्भुत वेश धारण करते हैं। हम लोगों की मजाक उड़ा रहे हैं, क्यों संसारियों की, ये कहकर के कि अरे यदि कृष्ण भजन नहीं करते हो तो इस शरीर का श्रृंगार सुंदर चंदन माला से करने की जरूरत नहीं है, इस शरीर के ऊपर तो पड़ी धूल, इस शरीर का श्रृंगार होना चाहिए अकौए से, इस शरीर का श्रृंगार होना चाहिए, अब अतर लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो धतूरा धारण करने के योग्य है। यदि भजन नहीं किया है तो इस शरीर का श्रृंगार इस शरीर का लालन पालन करने की आवश्यकता नहीं है, यह तो तुच्छ ही होकर के विराजमान है, निंदनीय वस्तु से ही इसका सत्कार होना चाहिए। और स्वयं भी अपने प्रेम को छिपाने के लिए वे सदा सदा घूमते रहते हैं विचरण करते हैं। परंतु कृष्ण पादा की शौचयाम श्री कृष्ण के चरण कमल से उत्पन्न होने वाली श्री गंगा जी को वे अपने मस्तक के ऊपर धारण करते हुए विराजमान है। तो जिनके हृदय में कृष्ण विराजमान, जिनकी जोहा के ऊपर कृष्ण नाम विराजमान, जिनने मस्तक के ऊपर भगवत चरणांत धारण कर रखा है, ऐसे परम भागवत शिव की महिमा का कौन गायन करेगा। तो शिव के स्वरूप में तो जिनके जुभा में सदा कृष्ण नाम, जिनके हृदय में सदा कृष्ण नाम, जो कृष्ण प्रेम में ही मतवाले हैं, मस्तक के ऊपर भी भगवान के पाद तीर्थ को धारण करके जो विराजमान हैं, वे शिव महाभागवतम नमामि, वे शिव महाभागवत होकर के विराजमान है। सुगंध गंगा मूर्धनि वहन हर्षा, वे मस्तक के ऊपर पुराने श्लोक है कि हस्ते क्ष माला, शिव के स्वरूप का वर्णन करते हुए हाथ में तो जप की माला है शिव के, परम भागवत स्वरूप है शिव का, हस्ते क्ष माला हृदय कृष्ण तत्व, हृदय में कृष्ण तत्व है, और जिह्वाग्र भागों पर ही कृष्ण नाम, जिह्वा के ऊपर कृष्ण नाम है, और यद मस्तक के केशव पाद तीर्थम, मस्तक के ऊपर श्री गंगा जी भगवत चरणामृत विराजमान है, शिवम महाभागवतम नमामि, ऐसे श्री महाभागवत शिव की हम वंदना करते हैं। शिव परम भागवत होकर के विराजमान, जिनके हाथ में सदा हस्ते क्षमाला अक्षमाला जप करने की माला है, हृदय कृष्ण तत्व, हृदय में कृष्ण तत्व, जिह्वा के ऊपर कृष्ण नाम और मस्तक के ऊपर भगवत चरणामृत, वे परम भागवत होकर के विराजमान। सो गंगा मूर्धि वहन, गंगा को मस्तक के ऊपर धारण करते हुए हर्षा नृत्यंश लयते जगत, हर्ष पूर्वक नृत्य करते हुए लयते जगत, इस संसार में भगवत भजन नहीं किया, जिन्होंने भगवत भजन नहीं किया ऐसे संसार को रहने का क्या उपयोग, ऐसा विचार करके संपूर्ण जगत को वे लय कर देते हैं। महाप्रलय में नृत्य करते हुए
संसार को ही वे नष्ट कर देते हैं, लयते जगत। कि भजन नहीं करते हो तो तुमको फिर रहने का क्या मतलब, विषयों को भोग करके उल्टा और विषयों का संकलन करोगे, ऐसा विचार करके जगत को प्रलय प्रदान करके वे संसार के जीवों को आगे पाप करने से बचाने का प्रयत्न करते हैं। गंगा प्रसाद आते नहीं वो मातृश्याम अधिकारिणाम अभीष्टार पर तो मुक्ति ही तस्य पत्निया भी शक्यते। कृष्ण प्रसाद आते नहीं वो, अब जैसे भगवान शिव हैं उसी प्रकार शिवा है, शिव और शिवा, शिव और भगवती श्री दुर्गा, ये दोनों ही परम भागवत होकर के विराजमान, और वे शिवा भी कृष्ण प्रसादा, कृष्ण की कृपा के कारण मातृश्याम अधिकारिणाम मेरे शरीर के जो अधिकारी हैं उनके उनको भी अभीष्टात् पैतुम, वे जो चाहते हैं उस अभीष्ट को प्रदान करने में शिव जी भी समर्थ है, माने भोग भी देने में समर्थ है और मोक्ष भी देने में समर्थ है, भोग और मोक्ष दोनों को देने की सामर्थ्य पार्वती जी में भी है और भगवान शिव में भी है, दोनों में सामर्थ्य। तो मुक्ति तस्य पत्निया भी शक्यते, उनकी पत्नी श्री पार्वती भगवती वे भी मुक्ति दे सकने में समर्थ हैं, भगवती भी देवी भी मुक्ति देने वाली है। अहो सर्वे पिते मुक्ता शिवलोक निवासिना, जो शिवलोक के निवासी हैं वे सब इदम से मुक्त होकर के जो विराजमान हैं वे ही उस परम अहंता रूप शिव तत्व को प्राप्त करते हैं। इदम और अहम जब दोनों मिले हुए हैं तो जगत की सृष्टि है, इदम का त्याग कर दिया जाए, मन उपाधि का माया का त्याग कर दिया जाए तो अहम रूप में श्री शिव विराजमान है, और जितने भी ज्ञानी जन हैं वे भी शिवो हम ऐसा विचार करते हुए मैं शिव हूं ये अंग उपासना करते हुए ज्ञान उपासना करते हुए वे भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। शिवो हम इसको विचार करके जैसे सोहम ऐसे शिवो हम करते हुए भी वे शिवलोक को प्राप्त करते हैं, और शिवलोक के जितने भी निवासी हैं वे भी सब के सब मुक्त होकर के ही विराज। तो अहो सर्वे मुक्ता शिवलोक निवासना, माया के परे जाकर के शिवलोक है और वहां के शिवलोक के सदाशिवलोक के निवासी सभी लोग वे भी माया से मुक्त हैं। मुक्ता तत्कृपया कृष्ण भक्ताश्च कथनाभवन, और ये बताओ कि तत्कृपया शिव जी की कृपा के कारण कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने मोक्ष नहीं पाया, जिनके ऊपर शिव की ज्यादा कृपा हुई उन्होंने कृष्ण भक्ति नहीं पाई। तो शिव की कृपा से बहुत से सामान्यतः तो सब लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है शिव की कृपा से, शिव जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कृपा करते हैं उसको श्री रामचरित्र भी सुनाते हैं, श्री कृष्ण चरित्र भी सुनाते हैं और कृष्ण भक्ति भी प्रदान करते हैं। जैसे भगवान शिव ने नरहर के पुत्र नाभार को भक्ति प्रदान की, नरहर नाम करके एक राजा थे, मनु के जहां पुत्र हुए उनमें नभग नाम करके एक राजा हुए, उन नभग के पुत्र हुए नाभाग, ये विद्या अध्ययन करने के लिए गए थे, गुरु जी के गुरुकुल में निवास कर रहे थे, पीछे से इनके भाइयों ने राज्य का बंटवारा कर दिया। अब ये गुरुकुल से लौट करके आए तो अपने भाइयों से पूछने लगे कि भाइयों मेरा दाएं भाग कहाँ है, बाप के हिस्से में मेरा भी हिस्सा होगा, मेरा हिस्सा कहां है। तो सारे भाइयों ने कहा कि भाई हमने तो तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, जितने थे यहां पर उपस्थित उन सबों को बराबर बांट लिया, अब तो तुम्हारा हिस्सा तो है नहीं, अब तुम्हारे हिस्से में
ये पिता है, इनकी सेवा करो। तुमको दाय भाग के रूप में पिता को ही दे दिया हमने। अब ये बात जब पता लगा नवाब को तो उनको बड़ा बुरा लगा, बोले बेटा ये अच्छा नहीं किया तुम्हारे भाइयों ने, तुम्हारे साथ में ये अन्याय हुआ, क्योंकि मैं बूढ़ा किस काम का। पंथ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मेरी सेवा कर रहे हो तो सेवा करो, मेरे पास में विद्या को है ना, विद्या मैं तुमको देता हूं। तो उस समय श्री नभद ने दो सूक्त ऐसे थे जो छठे दिन के श्राद्ध में काम आते थे, और उन सूक्तों को ब्राह्मण भी भूलने लगे, परंतु उन सूक्तों को नभद ने याद कर रखा था। नभद को पता था माने क्षत्रियों का भी बड़ा भारी योगदान रहा है वेद की रक्षा करने में। उन दोनों सूत्रों को उन्होंने अपने पुत्र को पढ़ा दिया। अब जब ब्राह्मण वो सूत्र भूलने लगे, पहले लिखित रूप में तो जाता था नहीं, वेद श्रुत परंपरा में ही थे, सुन करके याद रखे जाते थे, तो वो सूत्र जब भूलने लगे तो नाभाद ने ब्राह्मणों को उन सूत्रों को सुना दिया, और ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, भाई तुमने बहुत बड़ी रक्षा की, ज्ञान की एक रक्षा की है, हम तुम्हारे बड़े कृतकृत्य हुए। देखो इस श्राद्ध में जो कुछ भी बचा है, ये बचा हुआ धन अंग ये हम तुमको देते, तो छठे दिन के श्राद्ध में जो कुछ भी यज्ञ में बचा था उसको नाभा को दे दिया। अब नाभा पोटली बात करके जो जा रहे थे मार्ग में भगवान शिव मिले और बोले कि बेटा ये धन तो मेरा होता है, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ये निर्णय हुआ था कि यज्ञ में जो कुछ भी बचता है वो रुद्र का भाग होता है, यज्ञ शेष रुद्र का भाग होता है, तुम्हें विश्वास नहीं हो तो अपने पिता से पूछ लो, वे जैसे कहेंगे वैसा कर लेना। नाराज अपने पिता नभद के पास में गए और बोले पिताजी भगवान रुद्र मुझे मिले हैं और उन्होंने ये कहा है कि ये जो धन है ये तो मेरा है, पहले से निर्धारण हो गया है। नभद बोले कि बेटा बात तो सही है, यज्ञ में जो कुछ भी बचता है वो रुद्र का भाग होता है। ये तुरंत लौट करके आए, शिव जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा हमारे मैंने पिता से पूछ लिया है ये धन आपका है, मुझे भी चाहिए, और पूरी पूरी पोटली भगवान शिव के चरणों में रख दी। भगवान रुद्र बड़े प्रसन्न हुए, बोले बेटा ये जो धन है ये आज है कल नष्ट हो जाएगा, मैं तुझे ऐसा धन देता हूं जो कभी भी नष्ट न हो। और उस समय रुद्र गीत का उपदेश दिया, भक्ति का उपदेश दिया। यहां पर उसी घटना की ओर संकेत है कि मुक्तास्तत् कृपया कृष्ण भक्ताश्च कथिन अभवन्। शिव की जिसके ऊपर विशेष कृपा होती है उसे भगवान शिव कहीं कृष्ण भक्ति में लगा देते हैं। इसी प्रकार बाणासुर की ओर से भगवान शिव यज्ञ कर युद्ध कर रहे हैं कृष्ण से, और जब शिव जी युद्ध में स्वयं हार गए, भगवान ने शिव के सारे अस्त्रों को खंडित कर दिया, शिव ने ब्रह्मास्त्र चलाया, भगवान ने ब्रह्मास्त्र चला करके ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया, शिव ने अग्नि का अस्त्र चलाया, भगवान ने वर्षा का अस्त्र चला दिया, शिव ने वायु का अस्त्र चलाया, भगवान ने पर्वत का अस्त्र चला दिया। शिव जी वहीं उन्होंने पाशुपत अस्त्र चलाया, भगवान ने नारायण अस्त्र चला करके पाशुपत अस्त्र को नष्ट कर दिया और कहा माता ये क्या तीर कमान लिए डोल रहे हो, नए नए आविष्कार हो गए हैं, राफेल का जमाना आ गया है, ये चलेगा नहीं, ये आप जो तीर कमान लिए चल रहे हैं इनसे काम नहीं चलेगा, कोई नया हथियार हो उसको दिखाओ, नया वाहन हो उसको दिखाओ। बोले भाई अब तो हमारे पास में कोई ऐसा वाहन ऐसा हथियार है नहीं, बोले हमारे पास में बहुत से। और श्री कृष्ण ने उस समय शिव के ऊपर जब जिम्नास्त्र का प्रयोग किया, सो न जाने कौन सा रासायनिक हथियार था जिसके कारण शिव जी को बार बार जम्हाई आए, नींद आए, तो मूर्छित करने वाला कोई ऐसा हथियार चलाया रासायनिक, उससे शिव मूर्छित होने लगे और
शिव पराजित हो गए, अंत में शिव पराजित हो गए। बाणासुर युद्ध करने के लिए आया, श्री कृष्ण तो अपने हाथ में चक्र लेकर के खड़े हो गए, बाणासुर जिस हाथ को 1000 भुजाएं थी, जिस हाथ को ऊंचा करे उसको हाथ को भी काटते हैं और अस्त्र को भी काट, जबकि वो 4 हाथ रह गए बाणासुर के। शिव जी दौड़े दौड़े आए, बोले महाराज आपके चक्र मत चला देना, मेरे चेला को क्या बुंदाई कर दोगे क्या, मैंने इसे 1000 भुजाएं दी थी, अब 4 भुजा तो कम से कम छोड़ दो। भगवान बोले नहीं, इनकी 4 भुजा देख करके तुमको मेरी स्मृति हो जाएगी, इनको मैं मारूंगा नहीं, प्रहलाद के वंश में इसने जन्म लिया है, मैंने प्रहलाद को भी अभय दिया है और प्रहलाद के वंश भगवों को भी अभय दिया, मैं उनके वंश को नष्ट नहीं होने दूंगा। भगवान ने बाणासुर को अभय प्रदान किया। तो शिव जी की कितनी बड़ी कृपा रही भगवान रुद्र के, बाणासुर से कहा बोले अरे मूर्ख गिर चरणों, इनके आगे मेरी भी नहीं चलती है। और बाणासुर उस समय श्री कृष्ण के परम भक्त होकर के विराजमान हुए, शरणागति जब की तो बाणासुर को भी अभय प्रदान किया। तो ये दिखा रहे हैं कि शिव की कृपा से केवल मुक्ति ही नहीं मिलती है, शिव की कृपा से कृष्ण भक्ताश्च कतिनाभवन, कौन कितने लोग हैं जो कृष्ण भक्त नहीं हुए। शिव का एक तीसरा चरित्र, जिस समय 10 प्रचेता ये कच्छ में जहां सरस्वती समुद्र का संगम है वहां पर ये तप कर रहे थे, उस समय शिव जी विशेष रूप से इनके पास में भगवान रुद्र पधारे। 10 प्रचेता 10 भाई हैं, परंतु सदा एक सा व्यवहार करेंगे, सदा साथ साथ रहेंगे, शरीर भले 10 हैं परंतु जैसे एक व्यक्ति हो, इस तरह का उनका व्यवहार 10 प्रचेताओं का। और भगवान शिव बोले कि बेटा सत्संग करने के लिए कोई योग्य श्रोता ढूंढने के लिए बड़ा तरसता हूं, श्रोता मिलना बड़ा कठिन है, कभी कभी भागी से मिलते हैं, ये जो श्रोता खड़े हैं ऐसे अन्यथा सब ये कहते हैं नाचो गाओ, तान तोड़ने वाला कहीं वो तो फिर आनंद आए, ये कृष्ण कथा रूखी रूखी से कौन सुनाए, सिद्धांत कौन सुने। तो मैं तुम्हारे साथ में सत्संग करने के लिए बड़ा तरस रहा था और तुम्हारे पास में आया, स्वधर्म निष्ठ शतजन्म विप्रमान विरंजतामेत तथा परम इमाम, कोई 100 जन्म तक स्वधर्म का पालन करे तो उसे ब्रह्मा का पद प्राप्त होता है, उसके बाद में यदि किसी ने निष्काम कर्म किए हो और कर्म का फल नहीं चाह रहा हो तब जाकर के वह ज्ञान के द्वारा तथा परम इमाम शिवो हम इस भावना को धाम ध्यान करके तब वह शिव लोक को प्राप्त करता है, नहीं तो कर्म कांड की अंतिम सीमा ब्रह्मा जी। यदि ज्ञान है तो ज्ञान कांड होने पर तब जाकर के शिवो हम यह विचार करते हुए उपाधि का त्याग करके वह शिव लोक को प्राप्त करेगा, मोक्ष धाम को प्राप्त करेगा। उसके परे फिर वैष्णव पद है, वैकुंठ धाम है, हम शिव भी रुद्र भी जब हमारा अधिकार समाप्त हो जाता है तब हम भी अपनी चिन्मय उपाधि को भी छोड़ करके फिर भगवान के सेवा उपयोगी पार्षद स्वरूप को धारण करके विराजमान होते हैं। अभी जो सत्वात्मक उपाधि है उस सत्वात्मक उपाधि को त्याग करके भी फिर गुणातीत जो पार्षद स्वरूप है उस पार्षद स्वरूप को प्राप्त करते हुए हम विराजमान होते हैं। तो उन प्रचेताओं ने जब शिव की वंदना की तो रुद्र गीत का प्रदान उपदेश किया, तो भगवान रुद्र ने तो श्री रुद्र की कृपा से कितने लोग कृष्ण भक्त नहीं हुए। कहने का तात्पर्य है शिव सामान्यतः भोग देते हैं, कोई भोग नहीं चाहता है तो मोक्ष देते हैं, जब पक्का देख लेते हैं तब जाकर के उसे कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं। तो शिव दत्त बरोन्मत्तान त्रिपुरेश्वर तो मया
यथा प्रकाश संगतम परम गतः। अब शिव इतने भोले भाले हैं कि शिव के द्वारा जो वरदान दिए गए उनसे उन्मत्त होकर के मैं दैत्य वो भी मतवाला हो गया। त्रिपुर शो माया त्रिपुर दैत्य जो मैं दैत्य है वो मैं दैत्य भी मतवाला हो गया और उस मैं दैत्य ने एक त्रिपुर की रचना की जिस त्रिपुर की विशेषता ये कि उसके तीन हिस्से थे। जिस समय पुष्य नक्षत्र आए गुरु पुष्य योग हो उस समय तीनों खंड मिल जाए और अलग अलग यज्ञ हो तो कोई भी खंड नष्ट नहीं हो सकता है। तीनों मिले हो उस समय भले नष्ट हो जाए अन्यथा नष्ट नहीं हो सकते हैं। भगवान कृष्ण ने उस समय स्वयं तो गाय का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी को बनाया बछड़ा और आप मैं दैत्य के द्वारा बनाए हुए उस त्रिपुर में प्रवेश कर गए। वहां पर एक बहुत बड़ा अमृत का कुंड था। सब श्रीमद् भागवत की कथाएं हैं, वो बृहद भागवत अमृत में सारी कथाएं कहीं ना कहीं आ गई है। ये बृहद भागवत अमृत की विशेषता है कि पूरे भागवत के चरित्र का यहां पर पंथ एक लक्ष्य बंधित करके उनका वर्णन कर दिया। लक्ष्य एक ही है कृष्ण भक्ति की महिमा का गायन करना। श्री कृष्ण गाय बन करके जो उस अमृत के जल को पीने लगे किसी रक्षक ने देखा भी कि अरे गाय पानी पी रही है। फिर मन विचार करा अरे इतना बड़ा कुंडा भरा है गाय कितना पानी पिएगी पी रहा है पी लो। आपने एक चुस्का लगाया और पूरे अमृत के जल को पी गई। शिव जी को आपने उस समय धर्म रथ प्रदान किया। धर्म ही रथ है उस धर्म रथ को प्रदान किया और जब धर्म रथ को प्रदान किया शिव जी ने जो बाण मारा पुष्य नक्षत्र में उस समय त्रिपुर धक धक करके चल गया है। त्रिपुर भस्म हो गया। त्रिपुरारी भगवान की जय। तो शिव जी हैं वे त्रिपुरारी कहकर के त्रिपुर का विध्वंस करने वाले। तो कह रहे हैं शिव के द्वारा बर से उन्मत्त होकर के मैं दैत्य ने भी त्रिपुर उनकी रचना की। इसी तरह से शिव कवि और मैं दैत्य ने जो दैत्यपुर बनाया उसे शिव जी ही परेशान हो गए। शिव ही युद्ध करने के लिए उस समय गए शिव को ही युद्ध करना पड़ा। इसी तरह से शिव इतने भोले भाले हैं कि उन्होंने ब्रकासुर को भी वरदान दे दिया। एक ब्रक नाम करके असुर था। इसने रास्ता में चलते चलते नारद जी से पूछा कि ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीनों में कौन जल्दी कृपा करता है। अब जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। रास्ता में प्रश्न किया रास्ता में उत्तर मिला। कोई बैठ करके तो प्रश्न किया नहीं था कि समझाते पूरी बात। केवल दो टूक उत्तर देना था। चलते चलते नारद जी कह गए बोल महारे तीनों देवताओं में शिव आशुतोष है। बस इतना कहकर नारद जी आगे चल रही है। इसने तो बात समझ ली और ये प्रकाशोर सीधा केदार तीर्थ पर पहुंचा केदार धाम में। और वहां क्या करे अपने शरीर का मांस काटे और अग्नि में हवन करे कि शिव मेरे ऊपर कृपा करे। जब सातवें दिन अपने सिर को काटने लगा शिव जी पार्वती जी के साथ में प्रकट हुए। शिव बोले भाई ऐसा क्यों करता है। बोले मारे आप दर्शन नहीं दे रहे थे इसलिए मैंने ये। बोले भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे कोई तप किया जाता है कि ये तो तप नहीं है ये तो ब्लैकमेल करना है। इस बार कोई तप तो नहीं है ये तो साफ साफ ब्लैकमेल करना है। तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग ये जो तू कर रहा है जबरदस्ती मेरे साथ में भावात्मक जो छल कर रहा है वो भावात्मक छल करना ये उचित नहीं है। परंतु जो कुछ भी आप जो तू मांगे अब बदल रहा हूं ब्लैकमेल तूने कर लिया है मुझे तो अब तुझे वरदान दे करके जाऊंगा जो तुझे चाहिए वरदान मांग दे। ब्रह्मासुर ने मन में विचार किया कि परम सुंदर शिव इनके पास में इन भोले बाबा के पास में भगवतिया बाबा के पास में परम सुंदरी इस पार्वती का क्या काम।
पार्वती का हरण करे। सो पार्वती जी को चुराने के लिए इसने वरदान मांगा कि मैंने जिसके सिर पे हाथ रखूं वही भस्म हो गया। शिव जी ने जैसे ही ओम कहा, तथास्तु कहा, ये तो शिव के सिर पर ही हाथ रखने के लिए दौड़ा। शिव जी तो अपने दंड कमंडल छोड़ करके भागे वैकुंठ की ओर, और ब्रह्मांड के भीतर जो रमा वैकुंठ है उस रमा वैकुंठ में आगे आगे शिव जी जा रहे हैं और पीछे पीछे बृहदासुर भी आ गया। रमा वैकुंठ में अंधकारी व्यक्ति भी प्रवेश कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे शहर के भीतर कभी कभी सर्कस आ जाता है और उसमें भी शेर चीता भालू ये जैसे नाटक दिखाते हैं, वो भी नगर वासियों के लिए एक मनोरंजन का विषय हो जाता है। ऐसे वैकुंठ वासियों के लिए कभी कभी संसारी जीवों का वैकुंठ में प्रवेश करना वो भी उनके कहीं मनोरंजन का ही विषय हो जाता है। ज्यादा रहेंगे नहीं, सर्कस का खेल दिखा करके फिर सर्कस तो आगे बढ़ जाएगा, तो वो वहां के निवास करने के लिए नहीं आए हैं। ऐसे ही श्री वैकुंठवासी सब दर्शन भी कर रहे हैं परंतु कोई टोक नहीं रहा है। श्री कृष्ण नारायण स्वयं तो बन गए हैं एक ब्राह्मण के बालक, ब्रह्मचारी बनकर के विराजमान हो गए, और ब्रह्मचारी बनकर के जो विराजमान हुए शिव जी आगे जा रहे थे उनसे तो कुछ बोले नहीं, और पीछे जो बृहदासुर आ रहा था उससे कहा कि हे शाकुल महाभार शकुनी के पुत्र क्यों तुम भागे हुए चले जा रहे हो। बोले शिव ने मुझे एक वरदान दिया है, जरा उसकी परीक्षा करनी है, मैं इनके सिर पे हाथ रख करके देखूं ये भस्म होते हैं कि नहीं। भगवान बोले अरे तुम किन की बातों में आ गए और बातों का ऐसा जाल फैलाया। बोले इन ये तो वैसे ही सबको यू ही वरदान देते हैं, इनके वरदान कभी तुमने पूर्ण होते हुए देखे, इन्होंने जिस जिस असुर को वरदान दिया विष्णु ने उसको मार दिया कि नहीं, इनके द्वारा वरदान सब प्राप्त करके कितने असुर जाने न जाने कितने असुर बैठे हुए हैं शिव के द्वारा वरदान प्राप्त करके, परंतु विष्णु ने आखिर में उन वरदानों की काट निकाली कि नहीं, इसलिए इनके वरदान की कोई कीमत नहीं है। और अब तो इनका नाम ज्यादा पूछ गया है। कई बार ऐसा होता है कि एक बार आदमी बस चल जाए तो फिर चल जाए, तो बस इनका तो अब नाम हो गया है, परंतु इनमें अब दम नहीं रही है, ये तो भूत विद्या मल रही, 12 वर्ष चल रही, खूब चल रही, फिर हमेशा ही चलती रहेगी क्या, कोई कितना भी मास्टर ब्लास्टर हो एक न एक दिन तो रिटायर होना ही पड़ेगा, कोई ये थोड़ी कि हमेशा ही खेलता ही रहेगा, हमेशा टॉप पे ही रहेगा, कभी तो रैंकिंग में नीचे आएगा ही आएगा। तो इनकी बातें अब जाने दो, बस ठीक है अब तो इनका नाम बस चल रहा है, और हम तुमसे पूछ रहे हैं तुम्हारे पास में क्या सिर नहीं है क्या। बातों में आकर के इसने अपना हाथ अपने सिर के ऊपर जो रखा भस्म हो गया है। भगवान शिव उस समय कुछ बोले नहीं, शिव जी जो आए उनको समझाते हुए बोले कि महाराज बड़ा अच्छा हुआ, ये दुष्ट आपके साथ में अन्याय कर रहा था, जो भगवान आपके साथ में अन्याय करेगा वो उसकी यही दशा होगी, तो ये दुष्ट अपनी दुष्टता से मारा गया। श्री शिव को आपने डांटा नहीं, शिव का उल्टा कहीं संवर्धन किया, उनको कहीं हिम्मत प्रदान की। ब्रह्मा जी सब देख रहे हैं, बोले लो मैं कभी असुरों को आशीर्वाद दे देता हूं तो मुझे तो भगवान सभा के बीच में डांट देते हैं, हिरण्यकश्यप को मैंने आशीर्वाद दिया वरदान दिया, मेरी तो सभा में भगवान ने माजना पार दिया, परंतु शिव जी इतने वरदान दे रहे हैं कभी भी उनके वरदान को लेकर के शिव को भगवान ने एक शब्द भी कहीं शास्त्र में नहीं है कि शिव से कहा होगा कैसे वरदान दिया करो, ये सजेशन कहीं शिव को नहीं दिया, तो शिव से कितना प्रेम है। तो ब्रह्मा जी उसी बात का स्मरण कर रहे हैं कि मेरे ऊपर कृपा नहीं है तो शिव समृतो नैनो हर्षितश्च बचो मृते तदंग रंग सद्भक्तिया कृष्णेन वशवर्तिना। शिव जी
दूसरे लोगों को कृपा करते हुए भी विराजमान होते हैं। मैदित्य की भी शिव ने रक्षा करवाई और ब्रकासुर जो है उसके मैदित्य और ब्रकासुर इन सबके संकट से शिव की भी उन्होंने रक्षा की। और रक्षा करने पर भी दाता कभी शिव को नहीं बल्कि समुद्र को ने ना हर्षितस्य वशो मूर्ते मीठे मीठे वचन करके शिव को उल्टा आनंदित किया। और तत् अंतरंग सद्भक्तिया कृष्णेन वशवर्तना अंतरंग सद्भक्ति के कारण शिव की अंतरंग भक्ति के कारण श्री कृष्ण ने भी शिव के कृपा पात्रों के ऊपर कृपा कर दी माने वाणासुर के ऊपर भी शिव की अपूर्व कृपा हो गई है। स्वयं आराध्यते वास्य महात्म हर्ष दये श्री शिवजी की महिमा को जगत में वे ही शिव वे ही परशुराम आदि रूप धारण करके स्वयं आराध्यते परशुराम रूप में शिव की श्री कृष्ण स्वयं भी आराधना करते हुए विराजमान होते हैं। ये उनकी अपूर्व महिमा है। और तिष्ठताप स्वयं साक्षात कृष्ण नामृत मंथने पुल्यापति भी आराध्य स गौरी प्राण बल्लव अनेक अनेक बार श्री कृष्ण शिव की महिमा को बढ़ाते हुए विराजमान होते हैं। जैसे समुद्र मंथन के समय कृष्ण उपस्थित थे नारायण उपस्थित थे परंतु तो जब हलाहल विष उत्पन्न हुआ तो उस विष का उपाय विष्णु ने अपने आप कुछ नहीं किया शिव की महिमा को बढ़ाया। तो शिव की महिमा को श्री कृष्ण भी सदा बढ़ाते हैं। इसलिए मेरे ऊपर कृपा नहीं है कृपा जो है वह शिव के ऊपर ही उनकी कृपा है उनके पास में जाओ। ऐसे दो चार दृष्टांत और देंगे इस प्रसंग को पूरा करेंगे। है अभी अध्याय में 8-10 श्लोक हैं। तो श्री शिवजी ने की महिमा को उस समय बताया ब्रह्मा जी ने और जब ब्रह्मा जी ने शिवजी की महिमा को सुना उस समय श्री ब्रह्मा अत्यंत ब्रह्मा के कहने से नारद जी उस समय दौड़े दौड़े गए और फिर अब शिव जी के पास में जाएंगे और शिव जी की महिमा वर्णन करेंगे। और शिव की महिमा बड़ा सुंदर है। उस प्रसंग में आगे इस बात को विशेष रूप से प्रस्तुत किया जाएगा कि मोक्ष में सुख नहीं है। ये जो एक गंभीर सिद्धांत है ये शिव के प्रसंग में निरूपण करेंगे कि मोक्ष अपने आप में सुखरूप नहीं है। सुखरूप वस्तु है कृष्ण सेवा।